हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे हम 8 टाइप्स ऑफ डिफरेंट ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ इट। तो पहला ट्रांसफॉर्मेशन है, सपोज कोई कर्व है हम लोग के पास वाई इक्वल टू एफ एक्स, और हम लोग को इसको ट्रांसफॉर्म करना है वाई इक्वल टू मोड ऑफ एफ एक्स में। तो इसके स्टेप्स देखते हैं। तो पहले हम लोग वाई इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, एंड देन पॉजिटिव पार्ट को वैसे के वैसे छोड़ देंगे। पॉजिटिव पार्ट मीन्स द ग्राफ अबो एक्स एक्सिस, ओके। एंड देन नेगेटिव पार्ट का हम लोग मिरर इमेज लेंगे एंड नेगेटिव पार्ट को रिमूव कर देंगे, ठीक है। इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। सपोज हम लोग को ग्राफ ड्रॉ करना है वाई इक्वल टू मोड ऑफ साइन एक्स का। तो हम लोग को साइन एक्स का ग्राफ पता है, वाई इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ होता है इस तरीके से ग्राफ। तो ये मैंने -2π से 2π तक बनाया, ओके। अभी हम लोग को वाई इक्वल टू मोड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ बनाना है। तो जैसे कि स्टेप्स में लिखा हुआ है, पॉजिटिव पार्ट जो कि ये वाला पार्ट है एंड ये वाला पार्ट है, उसको वैसे ही छोड़ देना है। नेगेटिव पार्ट का हम लोग को मिरर इमेज बनाना है। तो नेगेटिव पार्ट कौन सा है? जो ये पाई से 2π तक वाला पोर्शन है, ठीक है। उसका मिरर इमेज मतलब विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो ये कुछ इस टाइप से आ जाएगा, और इसका भी ये वाला नेगेटिव पोर्शन इसका भी ऊपर ऐसे आ जाएगा, और नेगेटिव पोर्शन को नीचे से हटा देना है, मतलब ये वाला पोर्शन भी हट जाएगा और ये भी हट जाएगा। तो हम लोग के पास जो फाइनल ग्राफ होगा वो होगा वाई इक्वल टू मोड ऑफ साइन एक्स इक्वल टू दिस। इस तरीके से ग्राफ होगा, ठीक है। इसको एक और एग्जांपल से देखते हैं। सपोज हम लोग को ड्रॉ करना है वाई इक्वल टू मोड ऑफ लॉग एक्स का। तो हम लोग को पता है लॉग एक्स का ग्राफ होता है ऐसे, अगर लॉग एक्स में बेस होता है 10, अगर बेस 1 से ग्रेटर है तो नीचे से ग्राफ स्टार्ट होता है, ठीक है। अभी हम लोग को मोड ऑफ लॉग एक्स का ग्राफ बनाना है। तो मोड ऑफ लॉग एक्स मतलब नेगेटिव पोर्शन को का मिरर इमेज लेना है। तो नेगेटिव पोर्शन कौन सा है? ये जो 0 से 1 के बीच में जो एक ग्राफ ड्रॉ करा हुआ है नीचे, वो। तो इसका मिरर इमेज समथिंग कुछ ऐसे ऊपर आएगा ऐसे, और इसको फिर हम लोग हटा देंगे। तो हम लोग का जो फाइनल ग्राफ होगा वो होगा इस तरीके से। एक और ग्राफ देखते हैं, वाई इक्वल टू मोड ऑफ एक्स स्क्वायर -4x+3 का। ये एक क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक का ग्राफ पैराबोलिक होता है। तो इसके अगर हम लोग फैक्टर करें तो इसके फैक्टर होंगे x-3, x-1, ओके। और तो ये एक्स एक्सिस को 3 और 1 पे कट करेगा, और इसका एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट पॉजिटिव है 1, तो ये अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला होगा। तो इस अगर हम लोग वाई इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ बनाते हैं तो वो होगा ऐसा, 1 और 3 से पास करता हुआ अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला। अभी हम लोग को मोड मोड का ग्राफ बनाना है। तो ये नेगेटिव पोर्शन है, तो ये इसका ओ उसको ऊपर ड्रॉ कर देंगे और इस नेगेटिव पोर्शन को हटा देंगे। तो हम लोग का जो फाइनल ग्राफ होगा वो होगा इस तरीके से, ठीक है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट अपने ट्रांसफॉर्मेशन पे प्रोसीड करते हैं। तो नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन है वाई इक्वल टू एफ ऑफ मोड एक्स, मतलब इसमें हर एक्स को हम लोगों ने मोड एक्स से रिप्लेस कर दिया, तो कैसा ग्राफ ट्रांसफॉर्म होगा? तो इसके स्टेप्स देखते हैं। तो फिर से हम लोग को वाई इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ बनाना है पहले, एंड रिमूव द पार्ट ऑफ वाई इक्वल टू एफ एक्स फॉर x<0, मीन्स वाई एक्स के लेफ्ट साइड में जो पार्ट होगा उसको रिमूव कर देना है, ठीक है। एंड जो पॉजिट जो भी रेस्ट पार्ट है, मतलब वाई एक्सिस के राइट वाला जो पार्ट है उसका मिरर इमेज हम लोग को ड्रॉ कर देना है, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखते हैं, वाई इक्वल टू साइन मोड एक्स। तो अभी हम लोगों ने वाई इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ देखा था ऐसा। तो अभी हम लोग को क्या करना है, वाई एक्सिस ये वाला है, इसके लेफ्ट पार्ट पोर्शन मतलब ये वाला पूरा पोर्शन हम लोग को हटा देना है, ठीक है। और जो ये पॉजिटिव पोर्शन है ये वाला ग्राफ, इसका सेम मिरर इमेज हम लोग विथ रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस को मिरर मान के और ये सेम ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। तो ये वाला कर्व है, इसका ग्राफ ये आ गया, और ये कर्व है उसका ग्राफ नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनल जो हम लोग के पास ग्राफ आएगा वो आएगा वाई इक्वल टू साइन मोड एक्स इक्वल टू दिस। नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं वाई इक्वल टू लॉग मोड एक्स का। तो लॉग एक्स का ग्राफ हम लोगों ने अभी देखा था। तो अभी इसमें हम लोग देख सकते हैं वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में कोई ग्राफ है ही नहीं, तो हमें रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है। बस जो जो राइट साइड में पोर्शन है x<0 के लिए, उसका हम लोग वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में मिरर और ड्रॉ कर देंगे। तो इसका मिरर कैसा आ जाएगा? ऐसा कुछ ड्रॉ करके ऐसे ग्राफ बन जाएगा। तो इसका फाइनल ग्राफ होगा ये। अब हम लोग एक और एग्जाम्पल देखते हैं, x²-4 mod x+3। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एक्स स्क्वायर के साथ मोड नहीं है, बट एक्स स्क्वायर को ऐसे भी हम लोग लिखेंगे, लिख सकते हैं, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये एक्चुअली में एफ ओफ मोड एक्स ही फंक्शन दिया हुआ है। अगर हम लोग एफ एक्स इक्वल टू x²-4x+3 कंसिडर करें, तो वाई इक्वल टू x²-4x+3 का ग्राफ हम लोगों ने देखा था वो रहता है ऐसे। अभी हम लोग को एफ ओफ मोड एक्स का ग्राफ बनाना है। तो मतलब जो लेफ्ट साइड में पार्ट है वाई एक्सिस के, जो ये वाला पार्ट है उसको हम लोग हटा देंगे, और राइट साइड वाले पार्ट का मिरर इमेज, तो मतलब ये आ जाएगा ऐसे कुछ करके, और ये वाला पोर्शन हट जाएगा, ठीक है। तो फाइनल ग्राफ होगा हम लोग का ऐसा।
अभी हम लोग नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं थर्ड, जो कि है वाई इक्वल टू एफ एक्स से हम लोग को ट्रांसफॉर्म करना है मोड ऑफ एफ ऑफ मोड एक्स में, मतलब ये वन और टू अगर कंबाइन करके आता है तो हम लोग कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे। ओके, तो इसमें फर्स्ट है, फर्स्ट हम लोग वाई इक्वल टू एफ एक्स से वाई इक्वल टू एफ ऑफ मोड एक्स में ट्रांसफॉर्म करेंगे, देन उसके बाद में मोड ऑफ एफ ऑफ मोड एक्स में ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो हम लोग फिर से एग्जाम्पल से देखते हैं, अभी वाई इक्वल टू मोड साइन मोड एक्स का ग्राफ बनाना है, तो वाई इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ पता है हम लोग को ऐसा होता है। अभी हम लोग एफ एक्स से किसका ग्राफ बनेंगे, एफ ऑफ मोड एक्स का, तो उसके लिए क्या होता है लेफ्ट साइड के पोर्शन को हटा देते हैं और राइट साइड के पोर्शन का वाई एक्सेस के रेस्पेक्ट में मिरर इमेज ले लेते हैं। ओके, तो इसका मिरर इमेज लेंगे तो ये पोर्शन हट जाएगा और ये ग्राफ आ जाएगा कैसा, ये इस टाइप से। अभी हम लोग को मोड लगाना है, मोड लगाने के लिए क्या करते हैं नेगेटिव पोर्शन नीचे वाला जो पोर्शन है ना वो हटा देते हैं, तो ये पोर्शन हट जाता है और ये पोर्शन हट जाएगा और इनका मिरर इमेज ले लेंगे एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में, तो मिरर इमेज कैसा आएगा ये ऐसा कुछ, ठीक है, और इसका भी मिरर इमेज कैसा आएगा यहाँ पे कुछ आएगा, तो फाइनल ग्राफ जो होगा वो होगा हम लोग का ऐसा। ओके, इसको और एक एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे लॉग के लिए ड्रॉ करना है तो लॉग एक्स का ग्राफ पहले हम लोग वाई इक्वल टू एफ एक्स बनेंगे, फिर एफ ओ मोड एक्स बनेंगे, फिर मोड ऑफ एफ ओ मोड एक्स बनेंगे, तो वाई इक्वल टू लॉग एक्स का ग्राफ पता है हम लोग को ऐसा बना था। अब मोड एक्स का बनाना है तो हम लोग वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में मिरर इमेज ले लेंगे इसका, तो ग्राफ हो जाएगा ऐसा। फिर हम लोग को और मोड लगाना है, तो फिर क्या होगा ये वाला जो नेगेटिव पोर्शन है इसका एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में, एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में मिरर इमेज ले लेंगे और नीचे वाला नेगेटिव पोर्शन हटा देंगे, तो ग्राफ बचेगा फाइनल ये वाला। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस फोर मोड एक्स प्लस थ्री, तो यहाँ पे फिर से वाई इक्वल टू एफ एक्स एफ ओ मोड एक्स और एफ मोड ऑफ एफ ओ मोड एक्स का, तो वाई इक्वल टू एफ एक्स क्या है एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री, उसका ग्राफ होता है ये। तो वाई इक्वल टू एफ ओ मोड एक्स का कैसा होता है ग्राफ, राइट साइड वाले पोर्शन का हम लोग मिरर इमेज ले लेंगे विथ रेस्पेक्ट टू वाई एक्सेस, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री, तो ऐसा, ठीक है। अब मोड लगाने, तो मोड के लिए ये निगेटिव पोर्शन का मिरर इमेज ले लेंगे ऐसे और इसका नेगेटिव पोर्शन हम लोग हटा देंगे, तो ग्राफ फाइनल ग्राफ होगा वो आएगा ऐसा। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं हम लोग, यहाँ पे वाई इक्वल टू एफ एक्स को ट्रांसफॉर्म करना है मोड ऑफ वाई इक्वल टू एफ एक्स में, यहाँ पे अभी मोड वाई पे लगा हुआ है, तो इसके स्टेप्स देखते हैं। पहले हम लोग वाई इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, फिर कीप द पॉजिटिव पार्ट ऑफ वाई इक्वल टू एफ एक्स एज इट इज, मतलब कि एक्स एक्सिस के जो ऊपर वाला पार्ट है वो वैसे के वैसे रखना है, नेगेटिव पार्ट को रिमूव कर देंगे और पॉजिटिव पार्ट का मिरर इमेज भी हम लोग को ड्रॉ करना है, ठीक है। तो इसको एग्जांपल से देखते हैं, मोड ऑफ वाई साइन एक्स का ड्रॉ करना है, तो वाई इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ हम लोग को पता है ये ऐसा होता है, तो क्या करना है ये नीचे वाला पार्ट रिमूव कर देना है, मतलब ये वाला पार्ट रिमूव कर देना है और सॉरी ये वाला पार्ट हम लोग को रिमूव कर देना है, ठीक है, तो बचा ये वाला पोर्शन, तो ये वाला पोर्शन पॉजिटिव पोर्शन का हम लोग को मिरर इमेज भी ड्रॉ कर देना है, तो ये ऐसे हो जाएगा और इसका भी पॉजिटिव पोर्शन का मिरर इमेज कुछ ऐसा हो जाएगा, तो फाइनल ग्राफ जो बचेगा वो होगा हमारा ऐसा। ओके, तो एक और एग्जांपल देखते हैं, मोड ऑफ वाई लॉग एक्स का, तो वाई इक्वल टू लॉग एक्स का ग्राफ पता है हम लोग को ये होता है, तो इसमें भी फिर से नेगेटिव पोर्शन हटा देना है, नेगेटिव पोर्शन हट गया और पॉजिटिव पोर्शन का मिरर इमेज भी ड्रॉ कर देना है, तो पॉजिटिव मिरर इमेज हो जाएगा ऐसा, तो फाइनल ग्राफ होगा वाई इक्वल टू मोड वाई इक्वल टू लॉग एक्स का ये वाला, ठीक है। इसको एक और एग्जाम्पल से देखते हैं, मोड ऑफ वाई एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री, इसका ग्राफ पता है हम लोग को ऐसा होता है, तो इसके इसका नेगेटिव पोर्शन हम लोग हटा देंगे और पॉजिटिव पोर्शन का हम लोग को वह एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में मिरर इमेज ले लेना है, तो इसका मिरर इमेज कुछ ऐसा आ जाएगा और इसका भी सेम ऐसा है कुछ ऐसा आ जाएगा, तो फाइनल ग्राफ होगा वो होगा हम लोग का ये, ठीक है। अब हम लोग फिफ्थ ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं, वाई इक्वल टू एफ एक्स से ट्रांसफॉर्म करना है एफ एक्स प्लस ए में, कोई कॉन्स्टेंट हम लोगों ने ऐड कर दिया तो कैसे ट्रांसफॉर्म होगा, तो इसके स्टेप्स देखते हैं। पहले अगर ए ग्रेटर देन जीरो है तो शिफ्ट द ग्राफ ऑफ वाई इक्वल टू एफ एक्स ए यूनिट्स अपवर्ड्स, अपवर्ड की डायरेक्शन में शिफ्ट करना है ए यूनिट्स, और ए लेस देन जीरो है तो हम लोग को वाई इक्वल टू एफ एक्स को शिफ्ट करना है डाउनवर्ड ए यूनिट्स, ठीक है। इसको एग्जाम्पल से देखते हैं, सपोज हम लोग को वाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस वन का ग्राफ ड्रॉ करना है, तो वाई इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ हम लोग को पता है ये होता है, अभी ये प्लस वन है मतलब ए ग्रेटर देन जीरो है, तो हम लोग इसको अपवर्ड यूनिट शिफ्ट करें अपवर्ड शिफ्ट करेंगे और विथ वन यूनिट, मतलब जो वैल्यू यहाँ पे वन पाई बाई टू पे वन हो रही थी वो कितनी हो जाएगी अब टू हो जाएगी, मतलब पूरा ग्राफ को हम लोग शिफ्ट कर देंगे विथ वन यूनिट, तो हम लोग का फाइनल ग्राफ बचेगा वो आएगा ऐसा, हर पॉइंट वन यूनिट अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, हर एवरी पॉइंट ऑफ द ग्राफ, ये पॉइंट भी यहाँ पे आ जाएगा ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा ऐसा करके, ठीक है, तो ग्राफ हो जाएगा ये। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, हम लोग को वाई इक्वल टू साइन एक्स माइनस वन का ग्राफ ड्रॉ करना है, तो अब यहाँ पे ए लेस देन जीरो है
क्योंकि माइनस वन है, तो हम लोग को ये डाउनवर्ड शिफ्ट करना पड़ेगा विद वन यूनिट। तो वाई इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ पता है हम लोग को ऐसा होता है, और वन यूनिट डाउनवर्ड शिफ्ट करेंगे तो हम लोग का ग्राफ हो जाएगा ये, ईच पॉइंट ऑफ ग्राफ विल शिफ्ट बाई वन यूनिट डाउनवर्ड। ओके, तो ग्राफ विल बी लाइक दिस। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, वाई इक्वल टू मोड ऑफ एक्स प्लस टू। तो वाई इक्वल टू मोड एक्स का ग्राफ अगर आपको पता हो तो वो होता है ऐसा, ये कर्व है, ये मतलब दो स्ट्रेट लाइन होती है वाई इक्वल टू एक्स एंड वाई इक्वल टू माइनस एक्स। तो ये ग्राफ होता है वाई इक्वल टू मोड एक्स का। अब यहाँ पे प्लस टू है, दैट मीन्स ए ग्रेटर देन जीरो, तो इसके लिए हम लोग को इसको अपवर्ड शिफ्ट करना पड़ेगा बाई टू यूनिट्स। तो ग्राफ विल बी लाइक दिस, तो टू पे चला जाएगा ग्राफ, तो ये ग्राफ हो जाएगा ऐसा कुछ। तो फाइनल ग्राफ होगा हम लोग का ऐसा। ओके, तो अब हम लोग अपना नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन में जाते हैं, सिक्स्थ। वाई इक्वल टू एफ एक्स को ट्रांसफॉर्म करना है वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए में। यहाँ पे एक्स को रिप्लेस किया गया है विथ एक्स प्लस ए, तो इसमें कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं स्टेप्स देखते हैं। वाई इफ ए इज ग्रेटर देन जीरो, शिफ्ट द ग्राफ ऑफ वाई इक्वल टू एफ एक्स ए यूनिट्स टुवर्ड्स लेफ्ट। अगर ए ग्रेटर देन जीरो है तो लेफ्ट में शिफ्ट करना है, और ए लेस देन जीरो है तो राइट में शिफ्ट करना है। तो वाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस पाई बाई टू का हम लोग ग्राफ देखते हैं। तो वाई इक्वल टू साइन एक्स का हम लोग को पता है ऐसा होता है। अब यहाँ पे ए ग्रेटर देन जीरो है, दैट मीन्स हम लोग को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा विथ पाई बाई टू। तो ये वाला जो पॉइंट है वो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, और ये वाला पॉइंट है वो कहाँ चला जाएगा, माइनस पाई बाई टू। तो सारे पॉइंट पाई बाई टू लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएंगे, तो फाइनल ग्राफ होगा वो होगा ये। हर पॉइंट को हम लोगों ने इसको यहाँ से शिफ्ट कर दिए इस डायरेक्शन में, तो लेफ्ट साइड में शिफ्ट करने पे ये ग्राफ है। एक और एग्जांपल देखते हैं, वाई इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस टू का ग्राफ बनाना है। तो मोड एक्स का हम लोग को पता है ग्राफ ऐसा होता है। अब यहाँ पे ए लेस देन जीरो है, दैट मीन्स वी हैव टू शिफ्ट राइट वर्ड्स। तो राइट में शिफ्ट करेंगे तो मतलब ग्राफ कहाँ आ जाएगा, टू यूनिट्स राइट में शिफ्ट करना है। तो ये जो क्रिटिकल पॉइंट था वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे। तो ग्राफ कुछ हो जाएगा ऐसा ये, और फिर यहाँ से ऐसे कुछ आएगा। तो हम लोग का जो फाइनल ग्राफ होगा वो होगा ये। एक और एग्जांपल देखते हैं, वाई इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस वन। तो वाई इक्वल टू लॉग एक्स का ग्राफ पता है हम लोग को ये होता है। अब ए यहाँ फिर से ग्रेटर देन जीरो है तो ये लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा, तो वन यूनिट शिफ्ट होगा, दैट मीन्स यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये पॉइंट पे। तो अब यह कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, जीरो पे, और ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वैल्यू कहाँ पे जाएगी, माइनस वन पे। अब तो ये फाइनल ग्राफ होगा वो होगा ऐसा। ओके, नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं, सेवन्थ अपना। वाई इक्वल टू एफ एक्स को ट्रांसफॉर्म करना है वाई इक्वल टू ए मल्टीप्लाई एफ एक्स। मतलब कोई भी फंक्शन को हम लोगों ने एक किसी कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ट्रांसफॉर्म कैसा होता है, इफ ए इज ग्रेटर देन वन तो हम लोग एक्सपेंड करेंगे वाई इक्वल टू एफ एक्स ग्राफ अलोंग वाई एक्सेस। ठीक है, और अगर ए जीरो से वन के बीच में है तो ग्राफ श्रिंक हो जाएगा वाई इक्वल टू एफ एक्स अलोंग वाई एक्सेस। ठीक है, थर्ड कंडीशन है, अगर ए लेस देन जीरो होता है तो हम लोग पहले तो ऊपर वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग ए को पॉजिटिव मान के ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे दोनों कंडीशन के अकॉर्डिंग, एंड इन लास्ट हम लोग एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में पूरे ग्राफ का क्या ले लेंगे, मिरर इमेज। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं वाई इक्वल टू वन बाई टू साइन एक्स का। तो यहाँ पे ए जीरो से वन के बीच में है एंड पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हम लोग ग्राफ क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा अलोंग वाई एक्सिस थ्रू ए टाइम्स। तो वाई इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ पता है हम लोग को ये होता है। अब ग्राफ श्रिंक होगा तो मतलब जहाँ पे साइन की वैल्यू वन हो रही थी वहाँ पे अब साइन की वैल्यू क्या होगी, वन बाई टू। तो ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा, वाई एक्सिस के अलोंग श्रिंक हो जाएगा बाई वन बाई टू टाइम्स। ऐसा ही दिस इस साइड भी हो जाएगा। तो हम लोग का जो फाइनल ग्राफ आएगा वो आएगा वाई इक्वल टू वन बाई टू साइन एक्स इक्वल टू दिस। तो यहाँ पे दोनों ग्राफ में डिफरेंस देख सकते हैं हम लोग। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, वाई इक्वल टू साइन टू एक्स का ड्रॉ करना है। तो वाई इक्वल टू साइन एक्स का पता है ये। अब ए ग्रेटर देन वन है तो ये ग्राफ क्या होगा, एक्सपेंड होगा। तो जहाँ पे वन वैल्यू होती वहाँ पे क्या होगी, टू वैल्यू होगी। तो ग्राफ कैसा जाएगा, ऊपर ओके ऐसा कुछ ग्राफ जाएगा। ठीक है, नीचे भी सेम ऐसे बढ़ेगा। तो फाइनल ग्राफ होगा वो होगा वाई इक्वल टू साइन एक्स साइन टू एक्स इक्वल टू दिस। नीचे एक्स की वैल्यूज में कोई डिफरेंस नहीं होगा, बस वाई की तरफ क्या हो जाएगा, ये एक्सपेंड हो जाएगा बाई टू टाइम्स। और एक और एग्जाम्पल देखते हैं, माइनस वन बाई टू साइन एक्स। तो माइनस वन बाई टू साइन एक्स, वन बाई टू साइन एक्स का अभी हम लोगों ने देखा था ग्राफ कैसा होता है ये ऐसा। तो माइनस वन बाई टू, तो माइनस में क्या बताया मैंने कि जो पहले वन बाई टू साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लो, और माइनस के लिए क्या कर लेना है, पूरे ग्राफ का मिरर इमेज लेना विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो इसका मिरर इमेज कैसा आ जाएगा, ऐसे, और फिर इसका मिरर इमेज आ जाएगा ये। नेगेटिव में मतलब पॉजिटिव वैल्यू जहाँ पे आ रही थी वो नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, तो ग्राफ क्या आ जाएगा हम लोग का ऐसा। तो नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं, लास्ट। वाई इक्वल टू एफ एक्स को ट्रांसफॉर्म करना है वाई इक्वल टू एफ ऑफ ए एक्स। मतलब पूरे एक्स को हम लोगों ने किसी
ए एक्स से रिप्लेस कर दिया। तो इसके स्टेप्स देखते हैं। इफ ए इज ग्रेटर देन वन तो ग्राफ को श्रिंक करना है थ्रू ए टाइम्स अलोंग एक्स एक्सिस, और अगर ए 0 से 1 के बीच में है तो ग्राफ को क्या करना है, एक्सपेंड करना है अलोंग एक्स एक्सिस। ओके, तो वाई इक्वल टू साइन 2x का ग्राफ हम लोग को जैसे ड्रॉ करना है, तो 2x में 2 क्या है, एक ये ए ग्रेटर देन 1 है यहाँ पे, तो ग्राफ क्या होगा, श्रिंक अलोंग एक्स एक्सिस। तो वाई इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ होता है ऐसा होता है। ओके, तो हम लोग को क्या करना है, इसको श्रिंक करना है ग्राफ को अलोंग एक्स एक्सिस। मीन्स जो वैल्यू पाई था वहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई बाई टू। तो ग्राफ कैसा हो जाएगा, ग्राफ विल बी लाइक दिस, ये ग्राफ श्रिंक हो जाएगा बाई 2 टाइम्स। ठीक है, तो ग्राफ आ जाएगा ऐसे, फाइनल ग्राफ होगा विल बी लाइक दिस। ओके, तो यहाँ पे हम लोग डिफरेंस देख सकते हैं दोनों ग्राफ में। एक और एग्जांपल देखते हैं, वाई इक्वल टू साइन एक्स बाई टू। तो यहाँ पे ए 0 से 1 के बीच में है तो ग्राफ क्या होगा, एक्सपेंड होगा विथ टू टू यूनिट्स। तो वाई इक्वल टू साइन एक्स का पता है हम लोग को, ऐसा ग्राफ होता है। अब 2 यूनिट्स एक्सपेंड करेंगे मतलब पाई की जगह वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पाई, क्योंकि यहाँ हम लोग एक्स एक्सिस के अलोंग कर रहे हैं। तो ग्राफ जहाँ पे पाई बाई टू की जो वैल्यू होती थी वो किस पे होगी, पाई पे, और जो पाई पे होती थी वो किस पे होगी, 2 पाई पे। तो ग्राफ कैसा हो जाएगा ये, तो फाइनल ग्राफ विल बी लुक लाइक दिस। ओके, तो यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं हम लोग दोनों ग्राफ को। ओके, तो अब भी मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, आई कंसिडरिंग ऑल द ट्रांसफॉर्मेशन। तो दिस इज द प्रॉब्लम। तो फर्स्ट पॉज द वीडियो एंड ट्राई इट बाई योर सेल्फ, देन आई विल डिस्कस इट स्टेप बाय स्टेप। सिंपल प्रॉब्लम है, बस हम लोग को देखना है कि हम लोग अगर ये मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशन भी यूज़ हो रहे हो तो हम लोग यूज कर सकते हैं उसमें बाय वन। तो आई एम अज्यूमिंग दैट यू हैव ट्राई। तो इसको सोल्व करते हैं, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। सपोज हम, तो पहले हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ, पहले एक्स को कंसिडर कर रहे हैं। तो वाई इक्वल टू एक्स एक स्ट्रेट लाइन होती है पासिंग थ्रू ओरिजिन। अभी हम लोग को मोड एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है, तो मोड एक्स के लिए क्या करते हैं, निगेटिव पोर्शन को हटा देते हैं और उसका मिरर इमेज लेते हैं, ग्राफ हो जाएगा ऐसा। तो वाई इक्वल टू मोड एक्स का ग्राफ है ये। मोड एक्स के बाद क्या करना है, माइनस साइन आ रहा है तो माइनस मोड एक्स। तो माइनस के लिए क्या करते हैं, पूरे ग्राफ का मिरर इमेज लेते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस और ऊपर वाला हटा देंगे। तो माइनस मोड एक्स का ग्राफ हो जाएगा ऐसा। अब उसके बाद हम लोग को टू ऐड करना है, तो टू ऐड करना है तो अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा ग्राफ विथ 2 यूनिट्स। तो ग्राफ कैसा हो जाएगा ये। ठीक है, अब फाइनल ग्राफ में क्या है, मोड लगा हुआ है। तो मोड के लिए क्या करना होता है, नेगेटिव पोर्शन का मिरर इमेज लेते हैं ऐसे और नेगेटिव पोर्शन हटा देते हैं, तो हम लोग का ग्राफ हो जाएगा ये। तो फाइनल ग्राफ हम लोग का ये होगा। तो इस तरीके से हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके किसी भी तरह का ग्राफ ड्रॉ करना ईजी हो जाता है हम लोग के लिए। ठीक है, तो इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।